मुरैना में पुलिस आरक्षक ने पत्नी को सरकारी SLR बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह जब लोगों को पता लगा तो उन्होंने पुलिस को खबर दी। मामला कोतवाली थाने का है। आरक्षक का रात में उन्हें पत्नी के साथ विवाद हुआ था। सागर में कोरोना से दूसरे दिन 22 साल के युवक की मौत हो गई। संत कबीर वार्ड मोतीनगर निवासी युवक को सोमवार को सांस लेने में तकलीफ होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सैंपल लेने पर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टरों के मुताबिक उसके फेफड़ों में पानी जमा होने से सीवियर निमोनिया मौत की वजह बना। MP के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अपने विधानसभा क्षेत्र सांची में बर्बाद फसलों को देखने पहुंचे। शाम को अंधेरा होने पर उन्होंने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में नष्ट फसलों को देखा। स्वास्थ्य मंत्री ने किसानों से चर्चा कर फसलों को ही क्षति की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रभावित किसानों की हर संभव सहायता की जाएगी। MP के तेंदुओं को खर्राटे पसंद नहीं है, ये हम नहीं खुद वन मंत्री कुंवर विजय शाह कह रहे हैं। वन मंत्री का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह हंसते हुए बता रहे हैं कि तेंदुए ने मजदूर पर हमला क्यों किया। मजदूर द्वारा लिए जा रहे खर्राटे की आवाज़ तेंदुओं को पसंद नहीं आई, इस कारण उसके बीच में सो रहे मजदूर के चेहरे पर हमला कर दिया। वन मंत्री के इस तरह से हादसे की वजह बताने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। राजधानी भोपाल में ओमिक्रॉन के पहले मामले की पुष्टि हो गई है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 12 पहुंच गए हैं। US से दिसंबर में भोपाल आई 22 वर्षीय छात्रा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया था। इसकी रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। हालांकि अब छात्रा ठीक होकर वापस US लौट गई है। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलों के बाद ठंड ने फिर जोर पकड़ लिया है। सीजन में पहली बार इंदौर में रात का पारा भोपाल से नीचे आ गया। भोपाल में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, इंदौर में 8 डिग्री पर दर्ज हुआ। प्रदेश के कई इलाकों में सुबह हल्की बूंदाबांदी और धुंध रही। अगले कुछ घंटे में रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, अमरकंटक, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट और मंडला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।